दिल्ली के बाद पंजाब में भी प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी की नजरें अब अन्य राज्यों में विस्तार पर हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आम आदमी पार्टी ने अपना कुंभा बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल सोलन जिले में आपकी ओर से भाजपा और कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी की जा रही है। यही वजह है कि कई नेता भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर आप में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है। सोलन में आज आम आदमी पार्टी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। इस रैली में कारों और बाइक शहर वासियों को संदेश देने का प्रयास किया गया कि पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर वो यहां भी विजय हासिल करेंगे और दोनों राजनीतिक दलों का तिलिस्म तोड़ेंगे। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि हिमाचल में विजय हासिल कर वो स्वार्थ की राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप इंगवेवर ने आम आदमी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चापलूसों की पार्टी बनकर रह गई है, यहाँ कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है। यही वजह है कि वो अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो आज जो आपने संकल्प रैली निकाली, इसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, आज मैं सुरजीत ठाकुर, आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता सोलन में। जिस तरीके से विजय संकल्प रैली का आज आयोजन किया गया, ये हमारा जो इकट्ठे होने का पॉइंट था वो LIC सोलन था। LIC ऑफिस के बाहर सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, मिलकर वहाँ से न्यू कथेड़ होते हुए चंबा घाट और चंबा घाट से वापस ओल्ड बस स्टैंड होते हुए औच घाट से वापस ये डमरोग होते हुए रास्ते में आज इस पॉइंट पे हम लोग कोटला नाला में खड़े हैं। तो ये विजय संकल्प जो रैली थी, ये एक तरह का जो पंजाब में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है, तो एक लोगों में एक मैसेज भी देना था कि आने वाले टाइम में जैसे 2022 के नवंबर तक इलेक्शन होना है, तो लोगों को एक अवेयरनेस भी हमें फैलानी थी, जिसके माध्यम से हमें लोगों को एक मैसेज देना था कि अब आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी अलर्ट हो गई है और जिस तरीके की प्रचंड बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बनाई, दिल्ली में बनी, उसी तर्ज में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। वही इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज उनकी रैली काफी सफल रही, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी में भाग लिया। इस रैली से वो सोलन की जनता को संदेश दे रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब की तरह अब हिमाचल में भी बदलाव आने वाला है।